दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। अगर आपने अभी फिलहाल यहाँ पर नया यूट्यूब चैनल खोल रखा है और फिलहाल आपके 10 20 30 या फिर 40 50 सब्सक्राइबर हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि आप उनको लोगों को यहाँ पर दिखाएं और उन्हें आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मोबाइल की मदद से यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की वीडियो। तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर चलाना किसी भी ब्राउजर में। तो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं अपना क्रोम ब्राउजर। ओके, तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहां पर YouTube ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं YouTube। अब YouTube खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट्स को क्लिक करना है और यहां पर आपने चले जाना है डेस्कटॉप साइड में। तो मैं चले जाता हूं डेस्कटॉप साइड में। अब जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड में चले जाते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका यहां पर चैनल का जो सिंबल है, जो आइकन है, वो आपको दिख रहा है, आपने सिंपली उसको क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर नेट स्लो, तो इसके लिए रियली सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा है आपके चैनल का सिंबल, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है यूअर चैनल। तो हम सिंपली कर लेते हैं यूअर चैनल को क्लिक। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कस्टमाइज चैनल और दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर कस्टमाइज चैनल में। अब जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको नया इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपने अगेन क्या करना है, अपना जो यहाँ पर चैनल जो सिंबल है सिंपली उसको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है यूट्यूब स्टूडियो और उसके बगल में सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपने इस पर चले जाना है। इस पर चले बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अकाउंट है, फिर नोटिफिकेशन है, उसके बाद है प्लेबैक और उसके नीचे है प्राइवेसी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है प्राइवेसी में। तो हम चले जाते हैं प्राइवेसी में। अब प्राइवेसी में जाने के बाद आपको फर्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है कीप ऑल माई सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट, एक ही हो गया। और उसके नीचे दूसरा है कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट और इसके नीचे लिखा हुआ है यूअर सब्सक्रिप्शन विल नॉट बी विजिबल टू अदर। यानी कि अगर आप इसे जो मैंने अभी डिसेबल कर रखा, अगर आप इसे अनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो आपके कितने सब्सक्राइब हो चुके हैं वो किसी को यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फटाफट से इसको यहाँ पर अनेबल कर लेता हूँ। तो इससे मैंने यहाँ पर कर लिया है इनेबल। बस आपने इतनी सेटिंग अपने यूट्यूब चैनल पर कर लेनी है और उसके बाद जब आप यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को चैनल में अपने सब्सक्राइबर को चेक करेंगे तो वो यहाँ पर आपको जो है आपके सब्सक्राइबर किसी को भी शो नहीं होंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।